एक दिव्यांग व्यक्ति की आस्था आप देख सकते हैं किस तरह सड़क पर यह वॉकर के सहारे चल रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम के दर्शन इनको कब होंगे, लेकिन मन में जो आस्था का दीपक जल रहा है ये सभी के मन में जलना चाहिए। आस्था इनकी देखिए, आप इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि जीवन में मनुष्य को कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये चलने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, उसके बावजूद भी यह पैदल यात्रा वॉकर के सहारे कर रहे हैं। लगभग 27-28 दिनों से जो इनकी यात्रा है वो इसी तरह चलती रहेगी, और किस तरह से ये बागेश्वर धाम के दर्शन करेंगे यह भी एक सबसे बड़ी आस्था है। ये देखिए भाइयों, एक हमारे जिला शिवपुरी से एक भैया हमें रास्ते में मिले हैं, जो कि वॉकर के सहारे से बाबा बागेश्वर धाम के दर्शन करने जा रहे हैं छतरपुर जिले तक, जिसकी यहाँ से दूरी लगभग 250 किलोमीटर होना चाहिए। चलने में बिल्कुल असमर्थ है भैया, अभी हमें हाईवे में मिले हैं, हम लोग भी कहीं जा रहे थे। भैया कहाँ से आए? अच्छा अच्छा क्या नाम है जी? शिवराज यादव। और कहाँ के हो, कब के निकले हो आप वहाँ से? 27-27 दिन से आए, ऐसे पैदल पैदल चले जा रहे हो, और कोई साथ में है? चलो मैं आपको अपना नंबर देके जा रहा हूँ, कोई भी आवश्यकता हो यहाँ से लेके छतरपुर तक अपने सब लोग हैं, कोई भी आवश्यकता हो मुझे फोन कर देना, ठीक है? जय बाबा बागेश्वर धाम। नहीं वो तो बाबा की कृपा है, कहीं भी लगता नहीं है। अगर बागेश्वर धाम ये वीडियो देखेंगे आपका, हो सकता है आपको वहाँ पहले ही लेने आ जाएंगे, ठीक है? अरे पैदल जाओगे, लेकिन आ जाती है कभी कभी आपकी जो कंडीशन है उसको देख के, ठीक है भैया? बाबा की कृपा से इनकी भैया की यात्रा मंगलमय हो, और अभी इनको 27-28 दिन हो गए हैं, और अभी पता नहीं कितने दिन को लगने वाले हैं वहां तक पहुंचने में। हाँ हाथों के बारे बाबा, वहां तक पहुंचते पहुंचते आपके पैर भी ठीक कर देंगे, आप चिंता मत करो, बाबा कृपा करेंगे। हनुमान जी महाराज विकलांग भाई चला बागेश्वर धाम, तीर्थ करने की है उसकी आस, दिल में भरोसा आँखों में विश्वास, भगवान की कृपा सबको मिले खास। बागेश्वर धाम हमारी प्रार्थना यही हर शाम, इलाज की आस है बड़ी प्रबल, भगवान के हाथों में सारा बल, तेरे दर पे हम आए हैं भगवान, हमारी भी सुन ले कोई अरमान। बागेश्वर धाम हमारी प्रार्थना यही हर शाम,